सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में वायरस से मृत्यु दर 1.87% हो गई है। कोरोना से रिकवर होने पर 106 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महाराष्ट्र में कोविड के संक्रमण दर 9.85% हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों यूपी बिहार राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। कोरोना के बम फूटने लगे, स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं। पूरी तरीके से सरकार एक्टिव हो चुकी है। कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला, जिसके चलते अब सरकारों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने यहां तक कि ₹500 जुर्माना मास्क ना लगाने पर और साथ ही साथ सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया। इसके साथ ही साथ यूपी बिहार राजस्थान महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के कारण वहां की सरकारों ने भी पाबंदियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया है। कोरोना की चौथी लहर में चीन में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। बाहरी देशों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना के केस की नई लहरें आ रही, जिसके चलते वहां पे लॉकडाउन लग रहे हैं। अब भारत में भी ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं। कोरोना की चौथी लहर